अगर आपको पीछे कुछ आवाज आ रही है तो मेरे पड़ोस में एक पागल लड़की रहती है, छोटी सी बच्ची है और वो बहुत शोर करती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का। तो क्या फिल्म थी यार, तो मैं सच में कहूँगा कि फिल्म बहुत तबाही वाली फिल्म थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो था उसका, जिसमें स्टोरी चलती है कि भाई जो स्पाइडरमैन एक वेकेशन पे जा रहा है वहाँ उसे कैसे मिस्टीरियो मिलता है और क्या मिलता है उसे। तो हाँ, मुझे पता है कि ये मेरा जो चैनल है ये वो म्यूज़िक रिलेटेड चैनल है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी फिल्म देख के आया हूँ अभी। तो यहाँ की डायरेक्शन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सिटी सेंटर मॉल है बठिंडे का वो यहीं पड़ता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक्शन कर रहा हूँ। ओह सॉरी। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है पर अच्छा है, ये नहीं कि बोर कर रहा है। किसी को बोर कर रहा था क्योंकि वो इतने शायद मार्वल के फ़ैन ना हो, क्योंकि उनको शायद मार्वल की फिल्म जो एंड गेम शुरू से लेकर एंड तक उसे मतलब कि एक्शन देखने का शौक पड़ गया उनको, तो इसलिए किसी लोगों को लग रहा था कि हाँ यार बोरिंग फिल्म है। पर बोरिंग नहीं है, सेकंड हाफ में थोड़ा सा बिल्डअप होती है और बहुत ही मजा आता है। उसके अंदर जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई ये क्या कर दिया उसने। तो मैं ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे रहा हूँ कि जाके देख के आओ तब भाई फिल्म लेगी। तो हम बात करते हैं पहले एक्टिंग की। हाँ, एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है जेंडाया और स्पाइडरमैन का पीटी पार्कर का जिसने रोल किया है। हाँ, वो लगते हैं कि वो हाई स्कूल मिड टाउन के जो हैं एक हाँ बच्चे हैं वो, और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और एक्शन भी बहुत ही अच्छा है इसका। एक्टिंग के बारे में करूँगा तो मुझे हैप्पी और जो उसकी एंटी में है उसकी अच्छी लगी कॉमेडी, और जो उनके बीच में जो दिखाया है वो बहुत अच्छा है। और एक्शन की बात करें तो उसका जो एक्शन है फिल्म का, तो जिसकी स्पाइडर मैन कुछ भी चीज़ चक रहा है या किसी को मार रहा है बिल्कुल ही प्रॉपर दिखाया गया है, और उसके जो एक्शन है बहुत ही अच्छे दिखाए गए हैं। और इसमें जो टॉम हॉलैंड है थोड़े से दिख रहे हैं, थोड़ी सी उनकी बॉडी लग रही है, पिछली बारी में इतनी नहीं थी, इस बारी में ज़्यादा है। और जो मैं पिछली बार से कंपेयर करूँ इस वाली फिल्म को, तो पिछली वाली फिल्म थी वो यहाँ थी, जो ये वाली फिल्म है वो शायद इसे निकल जाएगा, वो यहाँ पे है मतलब ऊपर है काफ़ी। तो इस फिल्म की जो स्टोरी थी वो भी बहुत अच्छी है, और निक फ्यूरी जो आते हैं वो जो मैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या फिल्म क्या इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फाइनल विचार ये है कि फिल्म आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, मैं कहूँगा कि प्रॉपर ही देखनी चाहिए, बड़ी अच्छी फिल्म है। और आपके पैसे ऐसे नहीं होंगे ख़राब हो जाएंगे। मैं फिल्म देख के आया था कबीर सिंह, किसी को कह रहे थे कि अच्छी लगी है, पर मुझे बिल्कुल ही क्या कहूँ बेकार लगी, क्योंकि मैं मार्वल का फ़ैन हूँ, हॉलीवुड का फ़ैन हूँ यार। और वो वैसी फिल्म देख के जब मैं ऐसी लव स्टोरी देखता हूँ, लव स्टोरी भी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता बेकार होती हैं, अच्छी होती हैं, पर यार ऐसी लव स्टोरी यार कुछ खास नहीं थी। गाने मुझे अच्छे लगे इसके, गाने के लिए मैं कहूँगा कि गाने के लिए 10 out of 10 दूँगा, पर फिल्म को मैं दूँगा 10 में से 5। फिल्म अच्छी नहीं लगी कुछ ज़्यादा। और मैं कहाँ कबीर सिंह में घुस गया, मैं था स्पाइडरमैन के ऊपर। स्पाइडरमैन को मैं दूंगा 10 में से 10 और 10 में 10.5 भी दे सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कि आपको कैसी अच्छी लगी वीडियो। और नीचे मेरा ये किसका हैंडल होता है वो इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना, इधर आ रहा होगा। तो ओके बाय।